देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेटिंग एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स इंदौर चैप्टर के तत्वाधान में शहर एवं आसपास के कोल्ड स्टोरेज संचालकों के लिए सयाजी होटल के एमराल्ड सभागृह में रेफकॉन 2030 का अभिनव आयोजन किया गया, जिसमें 40 वर्षों के अनुभवी किशोर मंगलानी एवं 27 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत रविंद्र शर्मा ने आधुनिक तकनीक मौसम के अनुकूल तापमान पर फल सब्जियों खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुओं के संग्रहण के दौरान रखी जाने वाली सावधानियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। दोनों विशेषज्ञों ने कोल्ड स्टोरेज संचालकों एवं प्रबंधकों को मल्टी चैम्बर और मल्टी टेम्परेचर तथा मेंटेनेंस जैसे मुद्दों पर उपयोगी जानकारियां देते हुए उनकी जिज्ञासाओं और सवालों का समाधान भी किया। कोल्ड स्टोरेज चेन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हंसमुख जैन गांधी भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित थे। इसरे इंदौर चैप्टर के अध्यक्ष आशीष खोती, सचिव अंकुश झंवर एवं रेपकॉन 23 के संयोजक दिग्विजय सिंह बेसवाल ने बताया कि मध्य प्रदेश में करीब 300 कोल्ड स्टोरेज कार्यरत है। यह आयोजन कोल्ड स्टोरेज से जुड़ी विभिन्न समस्याओं, खाद्य वस्तुओं के भंडारण तथा बदलते मौसम में तापमान को बनाए रखने की चुनौती जैसे मुद्दों पर कोल्ड स्टोरेज संचालकों और आम उपभोक्ताओं के हित में उठाए जाने वाले कदमों से अवगत कराने के लिए किया गया था। कोल्ड स्टोरेज प्रबंधकों एवं संचालकों ने करीब 1.5 घंटे चले इस आयोजन में अनेक सवाल भी पूछे और अपनी जिज्ञासाओं का समाधान भी प्राप्त किया। सचिव अंकुश झंवर ने अंत में आभार माना। इस अवसर पर अक्टूबर माह में महाराष्ट्र में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की जानकारी भी दी गई। कोल्ड स्टोरेज या हम कहें कोल्ड चेन इंडस्ट्री, कोल्ड चेन इंडस्ट्री अभी मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है और कोल्ड स्टोर इंडस्ट्री की वजह से सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अन्य प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करके और पूरे 12 महीने कंज्यूमर को अवेलेबल करवाता है ये जो इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में जितनी मशीनरी होती है, चाहे वो अमोनिया बेस हो या फ्रेयॉन बेस हो, उस सारी मशीनरी का जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है उस सिस्टम को निरंतर चलाने के लिए अच्छे ऑपरेटर्स की ज़रूरत है, अच्छी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और उस टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। उसके लिए इसरे ये रेफकोल्ड के माध्यम से अच्छे जो तकनीकी उन्नत तकनीक जो जानते हैं उन एक्सपर्ट्स को यहाँ लाती है और कोल्ड स्टोर ओनर्स को और ऑपरेटर्स को उस उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी देते हैं और जिससे कोल्ड स्टोर इंडस्ट्री को ज़्यादा फायदा होता है, कैसे पावर सेविंग हो सकता है और कैसे प्रोडक्ट को अच्छी तरह से रखा जा सकता है और उस यूनिट से ज़्यादा लाभ इंडस्ट्री को भी मिले और कंज्यूमर को भी मिले, यह इस रेफकॉन से फायदा है। तो मैं इसरे इंदौर टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने रेफकॉन 2023 यहां आयोजित किया और कोल्ड स्टोर ओनर्स को नई तकनीक के बारे में और उन्नयन के बारे में और जो आज कोल्ड स्टोर है उसमें क्या क्या मेंटेनेंस ज़रूरी है उसके बारे में तकनीकी जानकारी प्रदान की। उसके लिए मैं कोल्ड चेन इंडस्ट्री एसोसिएशन मध्य प्रदेश की ओर से हसमुख जैन गांधी अध्यक्ष इसरे का आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतनी अच्छी जानकारी देकर और आज ओनर्स को फ़ायदा पहुँचाया। क्या इसका फायदा और अन्य सभी लोगों को मिलेगा, जनता को भी मिलेगा, इसको लेकर देखना चाहिए? नहीं, मिलेगा, सभी को मिलेगा क्योंकि कोस्टल इंडस्ट्री के जो लोग हैं वही यहाँ पर आए हैं और उन्हें जो जानकारी चाहिए वही विषय चुने गए हैं क्योंकि आज मेंटेनेंस की समस्या है या मल्टी चैम्बर कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है कि एक ही कोल्ड स्टोरेज में कई तरह के चैम्बर हो, मल्टी टेम्परेचर के टेम्परेचर हो, अन्य तरह के कई तरह के उत्पाद एक साथ रखे जा सकते हो या एक ही जगह पर रखकर और अलग अलग टेम्परेचर पर उनको रखा जा सके, इसके लिए इस तरह की तकनीक की जानकारी लेना बहुत आवश्यक है और रेफकॉन के माध्यम से यह हमारे कोल्ड स्टोर ओनर्स को मिल पाएगी। आज लगभग कितने कोल्ड स्टोरेज व्यापारी यहाँ पर? मध्य प्रदेश में 300 से ज़्यादा कोल्ड स्टोरेज हैं और मुख्य रूप से इंदौर उज्जैन डिवीज़न में ही हैं 150 से ऊपर कोल्ड स्टोरेज और उसमें से करीबन 70-80 ओनर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं। सर, इसरे एज अ इंडियन सोसाइटी हीटिंग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स सोसाइटी है,
जिसमें हम लोग HVAC एज हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग के साथ साथ रेफ्रिजरेशन को भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। सो रेफ्रिजरेशन अगर बात करें तो कोल्ड चेन, टूट डेयरी, फिश प्रोडक्ट, फिश स्टोरेज एंड जितने भी रेफ्रिजरेशन अगर बात करें, सो आज डेली लाइफ में हम बात करें तो रेफ्रिजरेशन का हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, जो जिसको हम लोग प्रमोट करके कोल्ड स्टोरेज को इतने अच्छे तरीके से, इफिशेंट तरीके से हम लोग पावर सेविंग कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी के बारे में जो एंड यूजर्स है उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं कि जो नई टेक्नोलॉजी है उन तक पहुँचे और उसका बेनिफिट्स ले पाएँ। साथ साथ कोल्ड स्टोरेज में जो फूड्स रख रहे हैं उसका कितना क्वालिटी इंपॉर्टेंस है कि आप किस टेम्परेचर पर उसको स्टोर कर रहे हैं, उसका सेल लाइफ डेट तो नहीं हो रहा है, जो जो टाइम है वो बता रहे हैं कि जिस टाइम तक आप रख सकते हैं, क्या उसको मेंटेन करने के लिए आपको ऑक्सीजन लेवल कितनी मेंटेन करना है, उसके बारे में हम लोग बता रहे हैं। साथ में हमारे साथ में हसमुख गांधी सर हैं जो कि कोल्ड चेन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो बताएंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। बेसिकली हम लोग पिछले सोसाइटी जो है हमारा HVAC के साथ साथ रेफ्रिजरेशन को जिसे बताया हमने प्रमोट कर रहे हैं, तो ये आज हमने कोल्ड चेन एसोसिएशन के साथ में और हमारे मेम्बर्स के साथ मिलकर प्रोग्राम को हमने यहाँ पर आयोजित किया है, और दोनों को हम मिलाकर जो भी टेक्निकल अपग्रेडेशन है और जो कोल्ड चेन ऑनर्स हैं या यूज़र्स हैं उन तक हम इन चीज़ों को डिलीवर करना चाहते हैं, ताकि किसी भी तरीका का गैप ना रहे। जो भी रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी हमारी अपग्रेड होती है, इसका पूरा पूरा जो यूज़ है वो हमारे फार्मर्स से लेके कोल्ड चेन एसोसिएशन ऑनर्स के साथ साथ हमारी एक आम जनता के लिए भी अगर हम बोलें तो सभी के लिए इसका पूरा पूरा लाभ मिल सके। तो ये आज हम लोगों का एक प्रयास है जिसको हमने यहाँ पर आयोजित करा है। विजय सिंह वेसवाल है, और आज का ये जो प्रोग्राम है विशेषकर हमने कोल्ड चेन एसोसिएशन और इसरे के माध्यम से ऑर्गेनाइज़ किया है। आज के इस प्रोग्राम में करीब 100 से 125 लोग यहाँ पे कोल्ड चेन ऑनर और जो कोल्ड चेन या कोल्ड जिनके स्टोरेज हैं वो जो यूज़ कर रहे हैं वो लोग आज इस प्रोग्राम का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही मैं बोलना चाहूँगा कि रेफकॉन एक रेफकोल्ड जो प्रोग्राम है चेन्नई में आयोजित किया होने जाना है अक्टूबर महीने में, 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक रेफकोल्ड एक बड़े लेवल पर इंटरनेशनल लेवल पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो मैं सभी व्यापारियों से और सभी कोल्ड चेन एसोसिएशन के लोगों से और जिनके भी कोल्ड स्टोरेज हैं, चाहे वो छोटे व्यापारी हों या बड़े व्यापारी हों, एक बार हम आप पधारें और देखें कि कितनी कितनी उन्नत चीज़ें आज मार्केट में आ गई हैं, कैसे वो उन चीज़ों का यूटिलाइज़ करके यूज़ करके अपने सिस्टम को और अपनी चीज़ों का फ़ायदा उठा